Hello everyone, in this video I am doing the construction part of question number 2 of chapter 14, exercise 11.2, class 9th. In my previous video, I have done the construction of question number 1. I repeat again, only there are 5 questions of constructions in 11.2 exercise. All the questions are very easy and scoring also, but

आप बाई एस्टिमेट कंपस ओपन करो यहां पे रखो और एक ऐसे आर्क ले लो ऐसे करके देन कीप हियर सिक्सटी डिग्री आर्क कीप हियर वन ट्वेंटी डिग्री आर्क एक बार सिक्सटी पर और एक बार वन ट्वेंटी पर अब ये जो दो आर्क्स कट किए हैं ये नाइन्टी डिग्री का होगा एंगल दिस इज डॉटेड लेना है बिकॉज नाइन्टी डिग्री इज नॉट योर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट अब आपने कौन सा ड्रॉ करना है फोर्टी फाइव तो एक बार जीरो से और एक बार 90 से दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख करके आपने बाइसेक्शन करनी है कंपस उतनी रहने दो तो जितनी ओपन थी ये देखो आर्क यहां से और एक बार आर्क यहां से अब ये बनेगा फोर्टी फाइव डिग्री तो कैसे इसको एक्सटेंड कर दो आगे तक दिस वे सो दिस एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्री करनी है आपने जो मैंने ए बी माइनस ए सी है थ्री पॉइंट फाइव अब आपको क्या करना है अब आपको कंपस ओपन करनी है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो आई हैव कैप्ट कंपस टिप ऑन दिस पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव एंड टिल जीरो दिस, थ्री पॉइंट फाइव इट इज ओपन पर रखो बी पॉइंट पर और यहां पर एक आर्क कट करो ऐसे दिस इज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दिस अब आपने इसको ज्वाइन करना है सी के साथ ऐसे करके ज्वाइन कर दो इस पॉइंट का नाम आप डी दे सकते हो राइट right? ये थोड़ी सी लाइन को अगर एक्सटेंड कर सकते हो तो और अच्छा है बिकॉज कंस्ट्रक्शन पार्ट विल बी मेड दिस साइड ओनली अब आपने क्या करना डीसी को बाइसेक्ट करना है ये वाला डीसी सी तो आपको आता है करने सी पर कंपस रखी मोर देन हाफ ओपन की एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे एक बार डी पर रखो स्ट्रिप एक आर ये और एक आर किए अब आपने इनको ज्वाइन करना है दोनों को सो डॉट एंड डॉट और ज्वाइन करके जितना एक्सटेंड हो सकता है होने दो तो ये देखो मैं आगे तक लेके जा रहा हूँ ऐसे और ये किया ज्वाइन नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ये कट कर रहा है यहाँ पे दिस पॉइंट विल बी रेफर्ड एज ए पॉइंट अब आपने इसको ए सी को सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है ऐसे तो यह देखो ट्राइंगल ए बी सी हैज बिन मेड अब चेक करना है कि सही था कि नहीं ए बी को मेजर करो ये है ट्वेल्व और फिर आप ए सी को मेजर करो ये एट पॉइंट फाइव है तो ट्वेल्व पॉइंट जीरो में से मैं रफ वर्क में एट पॉइंट फाइव माइनस करके देखूं टेन माइनस फाइव फाइव इलेवन माइनस एट इज़ थ्री तो यू कैन सी इट हैज़ कम थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसका मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है ए बी इज़ ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड अपॉन मेजरमेंट ए सी इज़ एट पॉइंट फाइव तो ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल अब आपने इसका रिजल्ट भी जरूर लिखना है आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने जब तक पूछे ना जाए तो ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन थॉरली लाइक द वीडियो कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू